गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोग को अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। पादपों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास का पौधा है उससे आपको रुई प्राप्त होती है, और रुई से हम क्या बनता है, सूती कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ है, बकरी है, याक से प्राप्त होता है। और रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह ही हमें दोनों जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें जांतव रेशे कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जांतव रेशे किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, तो ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से ख़रीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिससे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? तो इस अध्याय में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जांतव रेशे। जैसे जांतव रेशे अभी आप जान ही गए कि जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। तो इसमें आपके ऊन और रेशम, तो पहले हम ऊन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, तो जनरली सबके मन में एक ही उत्तर आता है, वो होता है भेड़। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊन हमें भेड़, बकरी, याक, ऊंट और अन्य और भी जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है, क्या मदद करती है इनकी ये, क्यों जो इनके बालों के बीच जो की जो मात्रा होती है, बालों के बीच की जो अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, यानी जो बीच बीच में जो स्थान होता है वहाँ पे वायु भर जाती है। और वायु क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, और इसलिए जो जंतु के शरीर की गर्मी होती है वो उसको बाहर नहीं जाने देती। इस प्रकार जंतु अपनी गर्मी को बनाए रखता है और ठंडियों में वो इसकी मदद करती है। और ऊन के अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, जो ठंड में इनकी मदद करते हैं, ठंड से बचाते हैं इन्हें। तो ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है कि अपने शरीर में बाहों और सिर के बालों को छूकर आप देखिए, आपको कोई अंतर दिखाई देगा, क्योंकि जो आपके सर के बाल होंगे वो थोड़े मोटे होते हैं, हाथों के जो बाल होते हैं कुछ मुलायम होते हैं। तो इसी तरह हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तो ये तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, यानी ये मुलायम बाल ही काम आते हैं। तो भेड़ों की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं उन पर। तो इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, यानी ऐसी भेड़ों को चयन करते हैं जिनके शरीर पर केवल मुलायम बाल ही होते हैं। तो ऐसे ही जनक यानी माता पिता को ढूंढा जाता है भेड़ों के पेयर को, कि जिससे कि उनके आने वाली संतानों में भी मुलायम ही बाल हों। तो तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि वर्णात्मक प्रजनन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, यानी कि उन्हीं भेड़ों को पालना जिनके तंतु कैसे हों, मुलायम हो, जिससे कि हमें क्या अधिक से अधिक भेड़ों का उत्पादन हो और अधिक से अधिक ऊन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होती, यानी ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ये देखिए,
देखिए, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में ज़्यादातर जो है उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन की ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये देखिए याक, ये कितने बड़े बड़े इसके रेशे हैं, क्योंकि वो इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये बड़े बड़े जो फर हैं इसके, जो बाल हैं, इसकी ठंड में मदद करते हैं। ठीक है, अब बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये देखिए अंगोरा बकरी, देखिए ये है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में होती है ये। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉले बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। ये देखिए ये बकरी, इसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल बहुत गर्म होती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, यानी ऊँट के शरीर के बाल भी ऊन का प्रयोग किया जाता है इनसे भी। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ये देखिए ये लामा है और एल्पेका है। तो इस तरह आपने देखे ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हो गए, याक हो गया, अंगोरा बकरी हो गई, ये बकरी है कश्मीर में पाई जाने वाली, और ये ऊँट है, और ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला लामा एल्पेका। तो ये सब क्या है, ऊन प्राप्त करने वाले जंतु हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को फिर से देखिएगा, इन जंतुओं के नाम याद करिएगा, और समझ में ना आएगा तो फिर से देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।